हमने तो पॉलिटेक्निक किया है, ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मेरे को देख के आप लगे गए होगा कि फॉर्मल में हूँ। आज मैं आ रखा हूँ ऊर्जा भवन, और यहाँ पर जो है इंटरव्यू चल रहे हैं कॉन्टैक्ट बेस पे जेई और एई के। तो यहाँ के मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मतलब कितनी बेरोजगारी हो गई है उत्तराखंड के अंदर। सो गाइस, मैं ब्लॉग आगे आपको दिखाता हूँ। बेरोजगारी का आलम देखो जरा एक बार। ओ भाई साहब, ये लाइन लगी है नाम लिखवाने के लिए, सारे जे और ए के लिए है ना। यहाँ पर नाम लिखवाया जा रहा है। और यहाँ पर से एंट्री होगी। ये देखिए आप, एक बारात में भी इतने लोग नहीं होते जितने बेरोजगारी में। देख लो आप उत्तराखंड का हाल। आप भी जेई के लिए आ रखे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखिए आप इधर, ये उत्तराखंड के युवा, देश पूछता है कितने हैं यार। ये देखिए आप जेई के लिए, ए के लिए, जेई के लिए आ रखे हो। कहाँ से आए हो आप है? जोर से बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार से आयो, बहुत बढ़िया। ये है टेक्निकल स्टूडेंट पूरे उत्तराखंड के, जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बेस पे इंटरव्यू देने आए हैं। आप कहाँ से हो? हम रुड़की से हैं। जोर से बोलो। रुड़की से हैं, रुड़की से। तो इंटरव्यू हो गया आपका? इंटरव्यू कल के पड़े हैं, यहाँ 100 बच्चों का अब तक के, और यहाँ 700 बच्चे बाहर खड़े हैं, और लगता है 5 दिन पहले। बड़े बुरे हाल है रे, बहुत बुरे हाल चाल, बहुत ज्यादा। देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचता है, बाकी आप और उसे बात कर लेते रहे, देख लो। फोकस कौन करेगा इसको? फोकस कैसा फोकस? ये देखो भैया, कहाँ से आए हो आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से? कितना किलोमीटर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। और तब भी अगर इंटरव्यू ना हो तो कैसा लगता है? स्ट्रेंथ यहाँ पे 500 से ज़्यादा की है। दूर दूर से लोग आए हैं। मैं आपको, आपका नाम क्या है? ये आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, तो ये बहुत दूर से आए हैं पहाड़ों से चल के। देखिए आप, और नंबर नाइन में कैसा लगता है? सबसे पीछा हुआ क्षेत्र उत्तरकाशी से। आप देखिए इधर है संजय टमटा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहना चाहूँगा बस एग्जामिनर के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको क्या लगता है, इंटरव्यू हो जाएगा आज? नहीं, आज तो नहीं होगा, मैं ही लूंगा सबका। बहुत बढ़िया। ये हमारे जो है सिलेक्टेड बंदे, ये हमारे भाटिया से गोल्डी जी एक का इंटरव्यू देने आए हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बोल जी, टेक्निकल के सारे ए और जे यहाँ देख रहे हैं आप, भीड़ इतनी सारी आ रखी है। और यहाँ पर रुड़की से आए लोग। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं रुड़की से आया हूँ। रुड़की से आया ऐसा मतलब बीटेक के लिए या पॉलिटेक्निक करके? मैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है मैंने, 2015 का पास आउट है। 2015 के पास आउट है, अच्छा। सर यस सर। तो ये बताइए आपके, मतलब इंटरव्यू बेस हो रहा है यहाँ पर, तो इंटरव्यू आप देने आए हो यहाँ पर, क्या सोच के आए हो, मतलब हो जाएगा? मैं देखिए 5 साल से नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, और इस पापी पेट के लिए आज मैं यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ। और ये जो हजूम आप देख रहे हो ना पीछे, ये यहाँ तक नहीं है, ये बाहर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है इंजीनियर के लिए। एक इंजीनियर इस हालत पे आ चुका है प्राइवेट नौकरी के लिए रूम में खड़ा है। पहले भी भर्ती निकाली थी इन्होंने? इन्होंने भर्ती निकाली थी 2015 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, लेकिन अब तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली। वो लोग अपना केस लड़ रहे हैं, ये बेचारे प्राइवेट नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। तो आप सुबह कितने बजे आए थे? सर मैं वैसे कल का चला हुआ हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। रास्ते में मेरी बाइक खराब हुई, मैंने कुछ पैदल का रास्ता तय किया, बहुत कष्ट झेले, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा 1000 नंबर पहले ही आ चुके हैं, और हमारा नंबर लगता नहीं आ जाएगा, लगता नहीं आएगा। तो इतने दूर से आप आए, खर्चा करके आए हैं, बिना बात का खर्चा लग गया। सो गाइस, बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा बुरा आलम है, यू डोंट बिलीव दैट। मैं एक और मिलाता हूँ आपको यहाँ पे, हटो जरा। किसे आए हमारे भाई, आपका नाम क्या है? मास्क नीचे कीजिए आप पहले। रामपाल। रामपाल जी है। तो आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो क्या लगता है आपको, मतलब इंटरव्यू में नंबर आ जाएगा आपका? नहीं चल रहा है कुछ सिस्टम, बिठा रखे हैं नंबर, बोलने किसका बोलने किसका नहीं बोलने कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आपका कौन सा नंबर है? मेरा 10 नंबर है। यानी इससे पहले भी 2 लिस्ट है। चलो आए।
ये देखिए आप, ये सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ 500 से 800 की, यहाँ से एंट्री हो रही है। और ये देखिए आप यहाँ स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं कि जे और ए यानी पॉलिटेक्निक और बीटेक उत्तराखंड में करते तो सब लोग हैं, लेकिन देखिए आप जॉब कितनों को मिल पा रही है। पर बाहर अभी भी 100 से 200 लोग खड़े हैं जो कि नाम लिखवाने के लिए आ रखे हैं। कल ऊर्जा विभाग में, ऊर्जा निगम में था, और आज देखिए आपकी वेटिंग पॉइंट बुक कर रखा है। और बेरोजगारी का आलम देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इधर से लेता हूँ। हेलो मैडम जी, ये सारे के सारे जो है टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए बुलाया तो गया लेकिन इंटरव्यू हो नहीं रहा है, बताओ। सुबह से क्यों इनको
की कोई बात नहीं भाई, दाएं से तुम्हारे उनको तो ज्वाइनिंग दे दो। हमारे युवा साथी आओ, हमारे बीच के हो, हमको भी दर्द होता है उनका जब वो धरने पे बैठे हैं। किसी के माँ बाप कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस जवानी में ये बारिश में धूप में धरने में बैठे, इसलिए पैदा किया था क्या? कई लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारा दर्द किसी को नहीं देता भाई। क्यों? हमने तो पॉलिटेक्निक किया है, करवाते इंटरव्यू करवाते, लेकिन यहाँ पर इतने करोड़ से करवाया। मैं
केवल इस वजह से यहाँ पर आया, एक आम एक अध्यापक होने के नाते मुझे लगा मुझे आप लोगों के बीच आना चाहिए और यहाँ पर जो भी मैं एक अध्यापक होने के नाते मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप लोगों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है, लेकिन इनके छलावे में मत आइए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हर चुनाव मुझसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बेचारे बहुत सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर सरकार इतनी लंबी जो है रेगुलर भर्ती निकालिए, रेगुलर भर्ती करना शुरू कीजिए, ऐसा जो है मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ। सरकार बिजली कर्मियों के साथ तो छलावा कर रही है, अपने बेरोजगारों के साथ भी छलावा करना शुरू कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।